हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहद लाभकारी माना गया है। माना गया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ब्रह्मकाल का हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्मकाल के समय उठते हैं तो इससे मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। आपका मन शांत और तन पवित्र होता जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहद लाभकारी माना गया है। कहते हैं अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? अगर आप सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच उठ रहे हैं तो इसे ब्रह्मकाल या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी परमात्मा का समय। अगर आप नित्य इसी समय उठते हैं तो इसे भगवान या परमात्मा का समय बताया गया है। यह वो समय होता है जहां रात का अंत और दिन की शुरुआत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतिम पहर, यानी जब रात खत्म होती है और सुबह शुरू होती है, उस समय को ब्रह्मकाल माना जाता है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस मुहूर्त में उठकर करते हैं तो आपका दिन ऊर्जा से भरा जाता है, साथ ही आपको अपने पूरे दिन के काम में सफलता हासिल होती है। यह समय साधना के लिए बहुत उचित समय है। अगर आप रोज इस समय उठते हैं और नित्य इस काल में पूजा पाठ करते हैं तो आपको इसका उचित फल प्राप्त होता है। इस समय अगर आप उठते हैं तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। साथ ही आपके मन और दिमाग में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर आप सोते हैं तो इससे आपके पुण्य का नाश होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का विशेष महत्व है। कहते हैं इस मुहूर्त में ध्यान में बैठने से हम आत्मविश्लेषण कर पाते हैं, जो बेहद जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि विद्या और सौंदर्य प्राप्त होती है। दोस्तों, अमित्रों, आशा करता हूं कि इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।